तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस, इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि GTA 5 के ग्राफिक्स कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है रीसेट डाउनलोड GTA 5, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रीसेट वाली फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर से आपको रीसेट डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देन आपका यहाँ पे रीसेट डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्लोज कर देना ब्राउज़र को एंड आपको यहाँ पे डाउनलोड्स वाला फोल्डर ओपन करना है। जैसे ही डाउनलोड्स वाला फोल्डर ओपन करोगी, आपको यहाँ पे रीसेट ओपन करना है डबल क्लिक करके। देन आपको यहाँ पे ब्राउज़ वाले बटन पर क्लिक करना है। ब्राउज़ वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे GTA 5 का मेन डायरेक्टरी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे GTA 5 को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं किसी भी जगह पर, ठीक है। देन आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। एंड आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करने, याद रखना आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर ही क्लिक करते रहना है। देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपको फिर से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे फिनिश बटन पर क्लिक करके रीसेट इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे vivid.ini फाइल डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है vivid.ini डाउनलोड। इतना लिखने के बाद आपको सर्च करना है। देन आपको फिर से वाले लिंक पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे फिर से डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके vivid.ini फाइल डाउनलोड कर लेनी है। एंड इसके बाद आपको ब्राउज़र क्लोज करना है, डाउनलोड्स वाला फोल्डर ओपन करना है। तो मैं भी यहाँ पे डाउनलोड्स वाला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। डाउनलोड्स वाला फोल्डर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे vivid.ini फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू फोल्डर मिल जाएगा, उसके अंदर आपको यहाँ पे एक फाइल मिल जाएगी, ठीक है। ये वाली फाइल को आपको कॉपी करना है। मैं भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। देन कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है सब कुछ। देन आपको यहाँ पे GTA 5 का आइकन है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन में जाकर आपको GTA 5 का मेन डायरेक्टरी ओपन कर लेना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे इसे यहीं पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, इसीलिए मुझे रिप्लेस करने का ऑप्शन आया था। देन मैंने इसको रिप्लेस भी कर दिया है। तो आपको यहाँ पे इसके बाद हमारा सब काम हो चुका है। देन आपको यहाँ पे GTA 5 ओपन करना है। गेम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ दिखाई देगा कि अगर आप होम बटन प्रेस करते हो या फिर कोई और बटन प्रेस करते हो तो आपका रीसेट मेन्यू जो है ओपन होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे होम बटन प्रेस करना है। मैं यहाँ पे होम बटन प्रेस कर लेता हूँ। देन आपका यहाँ पे रीसेट मेन्यू ओपन हो जाएगा। मेन्यू ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ब्लू वाली लाइन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे vivid.ini फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। vivid.ini फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे भी चाहे आप लोग ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, देन चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।